नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 4,70,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, 48 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4.25 लाख के पार, तो अब तक 13,699 लोगों की मौत, तो वहीं 2,37,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप, पिछले 24 घंटे में 55 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि, तो एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4,103। यूपी के कानपुर स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह में कोरोना की दस्तक, 57 लड़कियों में कोरोना पुष्टि, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। दिल्ली हाईकोर्ट से गंगाराम अस्पताल को बड़ी राहत, एफआईआर की कार्रवाई पर लगी रोक, कोविड-19 जांच में संबंधित नियम के उल्लंघन का है आरोप। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों का बड़ा कदम, ओआईसी ने बुलाई आपातकालीन बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कश्मीर के मौजूदा हालातों पर चर्चा, पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा था इस बैठक की मांग। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश, आज एक बार फिर से भारत चीन के बीच में हुई कमांडर स्तर पर बातचीत, मोल्दो में चोशुल के सामने हुई ये बातचीत। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार, गलवान घाटी के पास हजारों सैनिक तैनात, दोनों ओर से जवानों ने संभाला मोर्चा, तो वहीं कमांडर स्तर की बातचीत पर सभी देशों की नजर। नेपाल और भारत के बीच एक और विवाद हुआ खड़ा, नेपाल ने बिहार के चंपारण स्थित एक बांध की मरम्मत पर लगाई रोक, 500 मीटर भूखंड पर ठोका दावा। रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस की जीत के जश्न में होंगे शामिल, तो वहीं विक्ट्री परेड में भी लेंगे हिस्सा, तो वहीं चीन के प्रतिनिधियों से नहीं करेंगे मुलाकात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को दिखाया आईना, पीएम मोदी पर हमलावर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भारत चीन विवाद पर दिया बयान, भ्रामक प्रचार से बचने की दी नसीहत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का मनमोहन सिंह को जवाब, सेनाओं के साहस पर सवाल बंद कीजिए, ये वही कांग्रेस है जिसने बिना लड़े जमीन की थी सरेंडर। पूरी की नहीं टूटेगी परंपरा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालात बेकाबू होते दिखे तो सरकार रोक भी सकती है यात्रा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, राजौरी और पुंछ जिले में फायरिंग, नौशेरा में सेना का एक जवान शहीद तो एक जवान हुआ घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तोड़ी आतंकवाद की कमर, 4 महीने में ढेर किया अलग अलग संगठनों के 4 टॉप कमांडर, सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवात जैसे संगठनों को बनाया निशाना। जनता पर बड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, 16वें दिन पेट्रोल में 35 पैसे का इजाफा, तो डीजल हुआ 57 पैसे महंगा। यूपी के हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, शिक्षकों की भर्तियों में खुलेआम हुआ भ्रष्टाचार। यूपी के अलीगढ़ में पैरोल पर छूटे युवक ने टैक्सी चालक को मारी गोली, आरोपी मौके से हुआ फरार, घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में युवक का शव मिले से मची सनसनी, पुलिस छुट्टी मामले की जांच में मृत व्यक्ति की नहीं हो पाई फिलहाल पूछना। यूपी के एटा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज गार्डर गिरने से मामले में बड़ी कार्रवाई, सीएम ने लिया पूरे मामले का संज्ञान, तो वहीं मलावन पुलिस ने पीएमसी मैनेजर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र स्थित जंगल में अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गृह कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण, मामले में जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद बदमाश हुए फरार, पुलिस छुट्टी मामले की जांच। यूपी के एटा में निर्माणाधीन पुल के 4 स्लैब गिरने से कार सवार 2 लोगों की मौत का मामला, पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर समेत 4 लोगों को लिया हिरासत। कोविड-19 को लेकर राजस्थान में जागरूकता अभियान का आगाज, 30 जून तक चलेगा देश में पहला व्यापक जागरूकता अभियान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल लॉन्चिंग। कोविड-19 को लेकर गहलोत सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी 11,500 ग्राम पंचायतें, तो वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी साथ रहे मौजूद। जालौर के शीतलवाना में जागरूकता रैली का आयोजन, उपखंड अधिकारी मासिका राम जागीर ने उपखंड कार्यालय से किया रवाना, कोरोना के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू, चुड़ावा में सड़कों पर उतरे अधिकारी, कहा सतर्कता ही कोरोना से बचाव का उपाय। कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू, अलवर प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की ली मीटिंग, आमजन की जागरूकता के लिए दी आवश्यक दिशा निर्देश।
कोरोना महामारी जागरूकता अभियान शुरू, राजस्थान के साथ साथ संगठन भी आया आगे। झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति ने शुरू किया अभियान, एसडीएम जेपी गौड़ ने अभियान का किया शुभारंभ। चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा सहित अन्य भी साथ में मौजूद। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में विशेष जागरूकता अभियान का आगाज, विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किया शुभारंभ। लोगों को दी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी। अजमेर के ब्यावर में एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिवों को अस्पताल में कराया भर्ती, संक्रमित इलाके में दवा का करवाया गया छिड़काव। लालसोट के इंदावा गांव में कोरोना की दस्तक, गुजरात से आया रेलवे ट्रैक में कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों ने की जांच शुरू। झालावाड़ के गंगधार में हुआ 12वीं कक्षा का पेपर, स्टूडेंट्स को मास्क लगाने के बाद दिया गया परीक्षा केंद्र में प्रवेश, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। भरतपुर में जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली, जिला कलेक्टर नथमल ढिडेल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को जागरूक किया कोरोना के प्रति। अजमेर के नसीराबाद में जनजागृति अभियान का शुभारंभ, पुलिस ने निकाली जनजागरूकता रैली, कोरोना से बचाव का दिया संदेश। अजमेर में 34 रूटों पर बसों का संचालन शुरू, यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बसों में दिया जा रहा है प्रवेश, मास्क और सैनिटाइजर किया गया अनिवार्य। कोरोना के कारण स्थगित हुई बोर्ड परीक्षाएं जारी, उदयपुर जिले के सेमारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी परीक्षार्थियों ने परीक्षा, भूगोल और व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा का आयोजन। श्री डूंगरगढ़ के गांव मिंगसरिया में शोक की लहर, एक ही परिवार से निकली दो शव यात्रा, पहले चाचा और फिर भतीजे को दिया कंधा, पंचतत्व में विलीन हुई जवान की पार्थिव देह, दोस्तों को बचाने के चक्कर में गवाई थी जान। पोखरण में बहन के प्रयास लाए रंग, 10 साल के बाद परिवार से मिला लालू, शराबी पिता की आदत से तंग होकर घर छोड़ा था लालू। बारा में बदमाशों ने की व्यापारी से सरेआम मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, व्यापार संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चौके रिवाई में बजरी खनन परिवहन की रोकथाम के लिए एसआईटी के दावे फेल, दिन दहाड़े हो रहा बनास मासी नदी से अवैध खनन, ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। अजमेर में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, अम्बेडकर सर्कल पर चलाया सघन तलाशी अभियान, कई वाहनों की हुई चेकिंग। श्रीविजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाया विशेष अभियान, कार से 52 किलो डोडा पोस्त बरामद। जयपुर के हरमाड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और धारदार हथियार बरामद। जयपुर के मुहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद, एटीएम में रखा कैश बॉक्स काटकर हुए फरार, एटीएम में करीब 20 लाख रूपये की नकदी थी, पुलिस पशमादों की तलाश में जुटी। झालावाड़ के खानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, सारोला कस्बे में दिनदहाड़े बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के मानसरोवर में अनियंत्रित होकर पलटा नमक के कट्टों से भरा टैंकर, चालक के नींद आने के कारण हुआ हादसा, हादसे में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के सूरजगढ़ में क्यूआरटी डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। राजसमंद में 2 दिन पूर्व घर से लापता अधेड़ का मिला शव, इलाके में मची सनसनी, कर्ज के चलते की आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में। देवली में भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। पावचा के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान, सामाजिक कार्यकर्ता ने विधायक को समस्या से कराया था अवगत, विधायक ने टैंकरों से पेयजल व्यवस्था की शुरू। श्रीगंगानगर के घरसाना में माकपा ने एसबीआई शाखा प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, किसानों को अभी तक नहीं मिला फसल बीमा का क्लेम, 29 जून को सैकड़ों किसान बैंक का करेंगे घेराव। धौलपुर के बनिया थाना इलाके में 8 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत, ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 भागने में रहे सफल, इलाके में मचा हड़कंप। नसीराबाद में विद्युत कर्मी को राजनीतिक दबाव के चलते किया निलंबित, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी का किया था खुलासा, आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के घरसाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आम आदमी के साथ हो रहा है कुठाराघात। नागौर के लाडू में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, विधायक को भी समस्या से कराया अवगत। घटसाना के मुख्य बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना, पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा इसका और कोई साथ। बांसवाड़ा में लोधा जागीर गांव में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की राशन डीलर को हटाने की मांग, 4 महीने से राशन सामग्री नहीं देने का लगाया। झुंझुनू के किरोड़ क्षेत्र में टिड्डी दल के आने से किसानों में मचा हड़कंप, किसानों ने अपने स्तर पर टिड्डी दल को भगाया, कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने लिया खेतों का जायजा। बीकानेर के खाजूवाला में टिड्डियों ने बरपाया कहर, खेतों में खड़ी फसलों को किया चौपट, किसानों ने किया थाली पीपी बजाकर टिड्डियों को भगाने का जतन।
जयपुर के दूदू में भामाशाहों का सराहनीय कार्य। भामाशाह अश्करण जसकरण मुकीम बीकानेर के सीएचसी में भेंट किए दो एयर कंडीशनर। सीएचसी प्रशासन और मरीजों को मिलेगी राहत। झुंझुनू के स्काउट गाइड में निकाली गई जागरूकता रैली। एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना को लेकर स्काउट ने दिया संदेश। बूंदी में प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने कोविड 19 जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। खाचरियावास के दौरे के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। झुंझुनू के बुहाना में कोरोना जागरूकता के लिए निकाली बाइक रैली। एसडीएम ने दिखाई रैली को हरी झंडी। पुलिस के जवानों ने किया आमजन को जागरूक। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा शिकायती पत्र। कर्मचारियों पर मसरूल की राशि हड़पने का आरोप। जॉब कार्ड बनाने के एवज में मांगी जाती है रिश्वत। चूरू के तारानगर में कोरोना को लेकर जागरूकता रथ को किया रवाना। विधायक और उपखंड अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। आमजन को सरकार की गाइडलाइंस के बारे में दी जाएगी जानकारी। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में मिली राइफल। पुलिस ने बंदूक को किया जब्त। राइफल को पानी में डालने के कारणों की पड़ताल में जुटी पुलिस। बारा के छिपाबड़ौत कस्बे के हरनावदा शाहजी में उलट वाहनों पर प्रशासन मौन। बड़े हादसे के इंतजार में प्रशासन। शिकायत के बाद भी अधिकारियों का नहीं गया ध्यान। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस से जुटी मामले की जांच में। भरतपुर के बयाना में वन विभाग के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भीतरबाड़ी मैदान क्षेत्र से वन विभाग ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। वृक्षारोपण की आड़ में अतिक्रमण का आरोप। चूरू के सुजानगढ़ और बीदासर पंचायत के सरपंचों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों ने रखा अपना पक्ष। सरकार से की पंचायतों के अधिकार वापस देने की मांग। भरतपुर के बयाना में मकान निर्माण के दौरान हादसा। करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। 11 केवी बिजली लाइन से लोहे का सरिया टच होने से हुआ हादसा। बाड़मेर के बालोतरा पीएचडी कार्यालय पर पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं ने प्रदर्शन कर फोड़ी मटकिया। कहा मुंह मांगे दामों पर डलवाने पड़ रहे हैं पानी के टैंकर। करौली में कोरोना जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। प्रभारी सचिव अश्विनी भगत और विधायक लाखन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना से सतर्क रहने के लिए किया जाएगा प्रेरित। श्रीगंगानगर के घरसाना में कोरोना वायरस ने पसारे पांव। गांव 6JWM और समीजा में मिले दो कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने गांव को कराया सैनिटाइज। ओडिशा में भूकंप के झटके किए गए महसूस। रायगढ़ जिला रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता हुई दर्ज। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।